फिक्र में अब समय है दो मिनट में देश की नौ बड़ी खबरें दिखाने का। अगले दो मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। आपने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जवाब में कहा कि यह केजरीवाल की बौखलाहट है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज महाराष्ट्र की 40 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई। इस पर 25 सीटों पर सहमति बन गई है। जल्दी कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बचे हुए हिस्सों का एएसआई सर्वे नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात की है। हरियाणा के चरखी दादरी में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबर मलिक की गौमांस खाने के चक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब लैब रिपोर्ट से पता चला है कि वो गौमांस नहीं था। फरीदाबाद की सरकारी लैब की जांच रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के सात शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। ये शूटर्स हरियाणा में एक हत्या करने वाले थे। लॉरेंस का भाई अनमोल इनको ऑपरेट करता था। केंद्र सरकार की सख्ती के बावजूद देश में लगातार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। सूत्रों के अनुसार आज दोपहर भी 20 से ज्यादा एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हो चुकी हैं। भारत और चीन की सेनाएं आज से पूर्वी लद्दाख सीमा पर पीछे हटना शुरू हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख के देमचौक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। 29 अक्टूबर तक पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होगी। आज विदेश मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके अलावा मीटिंग में भारत कनाडा के संबंध और भारत चीन सीमा विवाद पर भी विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछे। दिल्ली दंगा आरोपी शर्जील इमाम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा है। शर्जील इमाम की जमानत याचिका अप्रैल 2022 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। आज सबसे पहली फिक्र जम्मू कश्मीर की करते हैं। वहां लोकतंत्र की बहाली को पाकिस्तान पहचान नहीं पा रहा है। शांति के कबूतर उड़ाने का दावा करने वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नया मुख्यमंत्री चुने जाने से बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि नई सरकार के शपथ लेने के बाद से यहां आतंकी हमलों में बुलेट की स्पीड से तेजी आई है। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकवादी घाटी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से बीते 9 दिन में राज्य में 4 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं और इन 4 हमलों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। नया हमला गुलमर्ग में हुआ है। यहां आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर गोलियां बरसाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। गुलमर्ग आतंकी हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस हमले का क्या असर हुआ है, यहां सेना को कितनी क्षति पहुंची है, पूरी डिटेल जानने से पहले लेटेस्ट अपडेट सुनिए। हमले के बाद से ही गुलमर्ग में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। गुलमर्ग बारामूला में आता है और बारामूला के जंगलों में हेलीकॉप्टर से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। एलओसी पर भी तलाशी अभियान जारी है। हमले वाली जगह के आसपास के रास्ते सील किए गए हैं। आतंकी हमले पर सेना ने कहा है कि जवानों की शहादत को याद रखा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों को मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अगर ये सब हरकतें बंद नहीं करता तो समस्याएं होंगी। गुलमर्ग हो या फिर गांदरबल, हर बार आतंकी हमलों के पीछे फारूक अब्दुल्ला को सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ दिख रहा है, तो इसकी ठोस वजह है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की थी, यानी वो सीमा पार पाकिस्तान से आए थे। उनकी संख्या 3 से अधिक बताई जा रही है। यह हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया है अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन गुलमर्ग में घुसपैठ के बाद आतंकवादियों ने नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। हमले में कल ही 2 जवान शहीद हुए थे। आर्मी के 2 पोर्टर की भी मौत हुई थी। एक घायल जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह इलाज के दौरान वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को शहीद हुए जवानों में एक राइफलमैन कैसर अहमद शाह थे, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे। दूसरे जवान की पहचान राइफलमैन जीवन सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा में सिरसा के रहने वाले थे।
शहीद हुए तीसरे जवान के बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। इनके अलावा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आर्मी के दो पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी नौशेरा के और मंजूर अहमद मीर बारामूला के रहने वाले थे, जबकि तीसरे आर्मी पोर्टर बशारत अली को भी हमले में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। यहां पर आपको बता दें कि आर्मी में पोर्टर का बड़ा रोल होता है। ये जवानों की तरह गोली बंदूक तो नहीं चलाते, लेकिन दूरदराज इलाकों में सैनिकों के लिए आंख कान की तरह होते हैं। इलाके की अच्छी जानकारी होती है और इस वजह से ये आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन इन जवानों और पोर्टर को जिन आतंकियों ने टारगेट किया है, अब उन्हें बिल से बाहर लाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन शुरू हो चुका है। गुलमर्ग से टीवी 9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गुलमर्ग के इलाके में इस समय हम मौजूद है। तमाम घने जंगल जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग के इलाके के हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही यही जो ट्रैक है बटा पथरी इलाके का है। ये गुलमर्ग से नीचे आते हुए यहाँ रिहायशी इलाका है, उसके बाद इन्हीं जंगलों के सहारे वो यहाँ पहुँच कर फिर इन रिहायशी इलाकों में जाते हैं। वो इस जंगल में जब मौजूद थे तो सेना की जो कॉन्वे थी वो इस इलाके में मूव कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद आतंकियों ने सेना के इन जवानों पर फायर खोल दिया। What I can inform you is that we took stock of yesterday in the HQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists. The support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and I've chalked out a manner or a strategy to deal with it. असल में पाकिस्तान के सीने पर सांप क्यों लौट रहा है, इसे सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी हमलों में तेजी क्यों आई है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को अधिक जलन महसूस होने की शुरुआत वैसे तो 2019 से ही होने लगी थी, जब राज्य में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। लेकिन 2024 में पूरे 10 साल के बाद यहां विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने बंपर वोटिंग की और फिर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार भी बन गई, तो पाकिस्तान ने अमन चैन बिगाड़ने का खूनी खेल शुरू कर दिया। सरकार बनने के बाद पहला हमला 18 अक्टूबर को शोपियां में हुआ। आतंकियों ने बिहार के मजदूर अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर 20 अक्टूबर को गांदरबल में टनल पर हमला हुआ, यहां 7 लोगों की जान गई जिसमें 5 गैर कश्मीरी थे। इसके बाद 24 अक्टूबर यानी कल सुबह ही पुलवामा में यूपी के मजदूर शुभम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब गुलमर्ग में 3 जवानों समेत 2 आर्मी पोर्टर शहीद हो गए हैं। आप इन हमलों से यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी लोग, सेना के जवान और विकास के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। यही वजह है कि अब इन हमलों के बाद राजनीति भी तेज है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सेना के वाहन पर हुए हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हाल ही में हुए हमले गंभीर चिंता का विषय है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि सभ्य समाज में हिंसा और आतंकवाद अस्वीकार्य है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घने जंगलों का फायदा उठाकर रात के समय हमला किया, इन आतंकवादियों में हमारे सैनिकों पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सामना करने का साहस नहीं है। इनके अलावा राज्य के नेताओं ने भी सिलसिलेवार हमलों पर बहुत कुछ कहा है। आप घाटी से ये सियासी रील देखिए। जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे, उस गलत फहमी में। और अगर वो समझते हैं कि इससे
वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचे। जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये उसकी साजिश है। हम उसको भी चेतावनी देते हैं कि भाई इस प्रकार की साजिश करोगे तो आपका भी कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है, रही है, इसीलिए इंजीनियर शीत बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी। ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कौन जिम्मेवार है, और इसके बदले के वो आए, इसके बदले हम वहां जाएं और दो तीन चार बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दें। गुलमर्ग हमले की जिम्मेदारी भले ही अब तक किसी आतंकी संगठन ने न ली हो, लेकिन गांदरबल हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। और ऐसे कई नए संगठन घाटी में कुछ वर्षों से सक्रिय हैं, जिनके बारे में देश के लोगों ने कम ही सुना है। असल में चाहे TRF हो या फिर PAFF, सब जैश और लश्कर जैसे पुरानी आतंकी संगठनों के मुखौटे हैं। ये आतंक का मुखौटावाद है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखौटा है। जैश ने ये नाम इसलिए रखा है ताकि जम्मू कश्मीर की जनता में भ्रम फैले और वो ये समझे कि ये सत्ता और सेना के विरुद्ध खड़ा किया गया एक विद्रोही संगठन है। इसी तरह से द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF है, जो हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का मुखौटा है। इसके नाम के पीछे भी मकसद खुद को पाक साफ बताकर जनता में भ्रम फैलाने वाला है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स है, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी का संयुक्त मुखौटा है। इस प्रॉक्सी संगठन का नाम आक्रांता महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है और घाटी में सक्रिय तहरीक लब्बैक भी लश्कर का ही मुखौटा है। इस प्रॉक्सी संगठन का मकसद घाटी को इस्लामिक राज्य बनाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके बारे में सेना या खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं है। इन आतंकवादी संगठनों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर है और इन संगठनों को हवाला के जरिए होने वाली फंडिंग पर भी समय समय पर एक्शन लिया जाता है। सुरक्षा बलों के जवान इन संगठनों के आतंकवादियों को सबक भी सिखाते रहते हैं। फिक्र में अब एक तूफानी वीडियो की फाइल खोलते हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों की ऐसी कामयाबी से जुड़ी है जो किसी करिश्मे से कम नहीं है, जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कमाल बेमिसाल है। इसमें ओडिशा के तूफानी मैनेजमेंट वाले गुण भी हैं जो दुनिया के दूसरे देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ओडिशा समेत कई राज्यों में दाना तूफान वाली दहशत देखी होगी, जिसे लेकर लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि आशंका यह थी कि जब यह तूफान ओडिशा से टकराएगा तो बड़ी तबाही होगी। लेकिन शुभ समाचार यह है कि हमेशा की तरह एक बार फिर ओडिशा ने इस तूफान को हरा दिया और इस जीत में संकट मोचक बने हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 2 सैटेलाइट, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दाना तूफान के कुछ वीडियो देखिए, जो कल रात करीब 1 बजे ओडिशा के धामरा पोर्ट पर लैंड हुआ और करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा से गुजरा। इस दौरान जबरदस्त बारिश हुई, कई बड़े पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए, लेकिन शायद आपको जानकर यकीन ना हो, इस प्रचंड तूफान के बावजूद ओडिशा में किसी भी शख्स की जान नहीं गई और इसके पीछे वजह है ओडिशा का तूफानी मैनेजमेंट, क्योंकि करीब 10 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन ओडिशा ने ये चमत्कार किया कैसे, ये बताने से पहले हम आपको एक वीडियो रील दिखाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं और डिफेंस भारत वर्ष की टीम भद्रक जिले के धामरा इलाके में मौजूद है और यहां पे विंड की रफ्तार जो है वो 104.56। मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहां पे दिख रहा है दाना तूफान, विंड स्पीड 65 KT, इसका मतलब 104.56 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पे अभी हवाएं चल रही है और
साथियों, जिस सेंटर बनाया गया था, एपी सेंटर जिसको बोला गया था लैंडफॉल का, वो इस वक्त हमारा गांव धमारा चुमेज है और ये यहां पे हो चुका है। धमारा पोर्ट है, पोर्ट के पास की ये तस्वीर है। हम होटल में ही हैं, होटल के पास से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कार खुद पर खुद जो है ये सायरन बज रहा है और ये हवा इतनी तेज है कि कार इसके थपेड़ों को नहीं रोक पा रही है और ये बार बार सभी से ये सायरन दे रही है। के जो मकान है, मिट्टी के छोटे मकान है, जो कच्चे मकान है, उन मकानों की हालत ज्यादा खराब है और निश्चित तौर पे वैक्यूएशन का काफी ज्यादा प्रोसेस किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है, आसपास के कुछ इलाकों में पेड़ पौधे वगैरह भी गिर गए हैं। ये देखिए, ये सारे कंक्रीट के जो कंक्रीट्स है, ये जो स्लैब्स है, ये कैसे उलट पुलट हो गया है। कल रात को वैसे रखा हुआ था जो कि वहाँ पे पूरा ठीक तरीके से रखा हुआ है उसको, लेकिन पानी का बहाव से ये पूरा उलट गए हैं। और यहाँ पे कॉन्क्रीट देखिए, आपको दिखाना चाहते हैं ये जो कॉन्क्रीट्स हैं ये सारे यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन वो पानी का बहाव से वहाँ पे चला गया है। ये बात सच है कि तैयारियां जबरदस्त थी, सरकार और सिस्टम पहले से अलर्ट था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें ये किसने बताया कि दाना आ रहा है? चिंता वाला अलार्म सबसे पहले बजा कहां से? तो जवाब है आसमान से, जहां इसरो के दो सैटेलाइट संकट मोचक बनकर तूफान के पल पल का अपडेट केंद्र सरकार और मौसम विभाग के साथ दूसरे राज्यों तक पहुंचा रहे थे, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में होने वाली हर हलचल को ट्रैक कर रहे थे। इनमें से पहले सैटेलाइट का नाम है EOS-06, जबकि दूसरा सैटेलाइट है INSAT-3DR, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से तैयार किया है कि कहीं पर गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ये दोनों सैटेलाइट ही अंतरिक्ष से लगातार तूफान को ट्रैक करते रहे और मौसम विभाग को रियल टाइम अपडेट देते रहे। इसीलिए आज इसरो के इस कमाल की बात करना जरूरी है। हम आपको अब ये बताते हैं कि आखिर इन दोनों सैटेलाइट्स ने कैसे तीसरी आंख बनकर अपना किरदार निभाया और ओडिशा को बचाया। जैसे EOS-06 सैटेलाइट में स्कैटरोमीटर सेंसर नाम का मंत्र लगा हुआ है, जिसने समंदर के ऊपर चलने वाली समुद्री हवाओं की जानकारी दी। जैसे ही इन हवाओं का सर्कुलेशन बढ़ा, इस सैटेलाइट ने साइक्लोन बनने पर तुरंत मौसम विभाग को अलर्ट किया। इसमें दूसरे सैटेलाइट का नाम है INSAT-3DR, जिसने बादलों के बनने की पल पल की प्रक्रिया को ट्रैक किया, भारत के ऊपर बदलते मौसम की स्टडी की और फिर इसकी गणना करके बताया कि तूफान बन रहा है या नहीं। और इस तरह इन दोनों सैटेलाइट्स ने दाना तूफान को हराने में कामयाबी हासिल कर ली। वैसे तो कोई भी तूफान आता है तो तटीय राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है, लेकिन किसी भी साइक्लोन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट ओडिशा पर ही पड़ता है और यहां करीब 100 साल में 250 से ज्यादा तूफान आ चुके हैं। इस बार भी खतरा बड़ा था, लेकिन ओडिशा ने जिस तरह से इस तूफान का मैनेजमेंट किया और एक भी मौत नहीं हुई, उसकी तारीफ तो बनती है। शायद हमारे बहुत से न्यूज मित्रों को यह पता ना हो, ओडिशा में 1999 में एक भयानक तूफान आया था जिसे नाम दिया गया सुपर साइक्लोन। इस तूफान में 9,885 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4.5 लाख जानवर मारे गए थे। इतना ही नहीं, 17,000 से ज्यादा स्कूल और 12,000 किलोमीटर की सड़क भी बर्बाद हो गई थी। और तभी ओडिशा की सरकार ने एक तूफानी संकल्प लिया और जीरो कैजुअल्टी वाला टारगेट सेट किया। ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। लेकिन ओडिशा में तूफान से लड़ने की तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इसके बाद ओडिशा ने जो किया, उसका परिणाम उसे आज भी मिल रहा है। 1999 के तूफान से सबक लेते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूक किया गया। अब भी ओडिशा में साल में 2 बार जून और नवंबर में मॉक ड्रिल की जाती है और ये ओडिशा सरकार की वर्षों की मेहनत का नतीजा था कि तूफान में होने वाली मौतें अचानक से एकदम कम हो गई। 2013 में ओडिशा में फैलन नाम का तूफान आया जो 1999 के तूफान के जैसा था, लेकिन सरकार की तैयारी थी तो उसने पहले ही 11 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस तूफान में 44 लोगों की ही मौत हुई, इसमें से भी
23 मौत तूफान के बाद आई बाढ़ में हुई। तब इस मैनेजमेंट के लिए ओडिशा सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसी तरह ओडिशा में वर्ष 2014 में हुदहुद तूफान आया जिसमें सिर्फ 2 मौत हुई, जबकि 2019 में आए फेनी तूफान से पहले भी ओडिशा सरकार ने 12 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला और इसमें भी जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। लेकिन सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने से तूफान से निपटा नहीं जा सकता, इसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ओडिशा में पूरी कोस्टल लाइन में एक रोड नेटवर्क तैयार किया है जिसका इस्तेमाल लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकालने में किया जाता है। इसके साथ ही ओडिशा में 800 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं। तटीय गांवों में समंदर के पानी को घुसने से रोकने के लिए तटबंध बनाए गए हैं। गांवों में जो लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए घर तैयार किए गए, जबकि तटीय इलाकों के 1200 गांवों में वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है जो बाढ़, तूफान या आपदा आने की स्थिति में सायरन बजाकर अलर्ट करता है। इसके अलावा 120 से ज्यादा तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर भी लगाए गए हैं और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर अब ओडिशा तूफान से टकराने वाला और उसे हराने वाला चैंपियन बन चुका है। जानमाल की क्षति नहीं हुई और सरकार की जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य भी हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानित किया गया है। इसमें से 1600 स्वस्थ शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का संकट और बड़े मुकाबले की खबरें ट्रेंड कर रही हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण वाला मुद्दा भी उठ गया है जिस पर कांग्रेस की तरफ से सफाई की सप्लाई तेज हो गई है। इन सभी खबरों पर हमने आपके लिए विस्तृत और जानकारियों से भरपूर फाइल तैयार की है। महाराष्ट्र में एमडीए और महायुति दोनों ही अपनी अपनी बातचीत और समीकरण के उलझे हुए तार सुलझाने में लगे हुए हैं। अब जब नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त शेष है, फिर भी दोनों पक्षों में किसी अंतिम आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। एमवीए में 33 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जबकि महायुति सीट बंटवारे से संकट वाले आंकड़े को 11 तक लाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। एमवीए में 85-85 सीटों वाले फॉर्मूले से आगे क्या बातचीत हुई है, इस पर अब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस बीच हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सीट लगातार जारी कर रहा है, भले ही सीटों पर समझौता फाइनल नहीं हुआ है। आज शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए एक बैठक की है, जिसके बाद कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों के लिए दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो एमवीए में ना तो कांग्रेस उन क्षेत्रों में बैकफुट पर जाने को तैयार है जो उनके गढ़ है और ना ही यूबीटी पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान कांग्रेस की तरफ से लगातार मातोश्री पहुंचते हैं और शिवसेना यूबीटी को दिल्ली हाईकमान की बात पहुंचाते हैं, हालांकि नसीम खान इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच संजय राउत ने एमवीए में सीटों के समझौते पर नई तारीख देते हुए कहा कि सोमवार तक पूरा निर्णय और पूरी लिस्ट आ जाएगी, मंगलवार तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी। आंकड़े में नहीं जाना है हमें, महाराष्ट्र में मेरिट के आधार पर हम महाविकास अघाड़ी के सभी लोग हम काम कर रहे हैं। अजून आमची चर्चा चालू आहे। काल आमचा पूर्ण दिवस दिल्लीमध्ये गेला। महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभाग कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे। ती महाझूठी गठबंधन किस उम्मीद पे टिकी है? वो सिर्फ सत्ता के प्रेम की जो झूठी गठबंधन है वो उस पर जुड़ा हुआ है, तो जो आपस में ही जो तालमेल नहीं है वो जनता के सामने दिख रहा है। ये जो लड़ाई है कुछ ना
लड़ाव है वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही, ये लड़ाई है। पिछले दो साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र का बेटा है वो लूट रोकने के लिए बोला। महाराष्ट्र में महायुति की बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ एक बड़े उत्साह का और विजय का माहौल। एमवीए में एक तरफ सीटों के बंटवारे का संकट है तो दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि जब सब समानता से रहने लगेंगे तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा बना रही है। अब जब चुनाव करीब है और डैमेज का डर है तो इससे बचने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बोलकर फेक नैरेटिव फैला रही है, जबकि डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक भारत में संविधान है और बीजेपी है आरक्षण पर कोई हाथ नहीं रख सकता है। यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पर थी अब वो उसी हथियार से कांग्रेस को घायल करना चाह रही है। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने किया है। इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे है, इंदिरा जी ने भी रखे है, राजू जी ने भी रखे है, अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। फडणवीस सरना किती समजतं मला माहिती नाही। राहुल जी ने बोलले त्याला काटकूट करून त्यांनी ज्या पद्धतीने राहुल जीला बदनाम करण्याचं काम केलेलं होतं ते उघडे पडले। आज खऱ्या अर्थानं आरक्षण विरोधी भाजप कसा आहे हे सगळ्या जनतेला कळलेलं आहे। नाना पटोले हे कट्टर राहुल गांधी भक्त आहेत। आरक्षण विरोधी भूमिका परदेशात जाऊन राहुल गांधी मांडतात आणि त्याचं समर्थन त्यांचे नेते नाना पटोले करतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। इस बीच वीआईपी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उनके घर पर मां ने उनकी आरती उतारी। इस मौके पर भी नितिन गडकरी मौजूद थे। हालांकि इस नामांकन से ज्यादा चर्चा आज महाराष्ट्र के महाटक्कर की हो रही है जिसमें मुंबई की वर्ली विधानसभा में शिवसेना यूबीटी की टक्कर शिवसेना शिंदे के मिलिंद देवड़ा से हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के सामने मजबूत युवा चेहरे के तौर पर राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारने की तैयारी है। मिलिंद देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने मिलिंद देवड़ा से बातचीत की है लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मिलिंद देवड़ा के करीबियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभी सिर्फ विचार विमर्श हो रहा है, अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। वैसे वर्ली सीट पर बीजेपी की तरफ से शाइना एनसी के नाम की भी चर्चा चल रही है लेकिन सीट किसके कोटे में जाएगी अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि शिंदे गुट को ये सीट जाए। ऐसे में उनके पास मजबूत चेहरे को लेकर मिलिंद देवड़ा हैं। अगर मिलिंद देवड़ा नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी शाइना एनसी को शिंदे गुट ज्वाइन कराकर मैदान में उतार सकती है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपने नाम की चर्चा के बीच मिलिंद देवड़ा ने अब से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मानना है कि वर्ली और वर्लीकर के लिए न्याय काफी समय से लंबित है। हम साथ मिलकर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं और जल्द ही अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। इस सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिल रहे हैं कि वर्ली में मिलिंद वर्सेज आदित्य का मुकाबला हो सकता है। वर्ली पर तो जब ऐलान होगा तो मुकाबले का पता चलेगा लेकिन मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए हैं। आज सुबह एनसीपी अजित गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। इसके बाद एनसीपी अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है।
जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा कि एमबीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस की सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी, इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा। फिक्र में अब चलते हैं कनाडा, जहां जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कपट नीति वाली चाल एक बार फिर चली है। उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह खबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फैसले में भारतीयों का नुकसान छिपा हुआ है, लेकिन अपने खालिस्तान प्रेम और भारत विरोधी प्रोपागैंडा के लिए मशहूर पीएम ट्रूडो ने इस फैसले से कैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और कनाडा को गड्ढे में गिराने का काम किया। क्या इस फैसले का वहां के चुनाव से कोई कनेक्शन है, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रूडो सरकार ने अपनी प्रवासी नीति में क्या बदलाव किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम अगले 3 साल तक प्रवासियों की संख्या में कटौती करेंगे। इससे अगले 2 साल में जनसंख्या में कमी आएगी और विदेशों से आने वाले छात्र और कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ट्रूडो दलील दे रहे हैं कि इस फैसले से लंबे समय से फायदा होगा, आर्थिक तरक्की होगी। कनाडा सरकार कह रही है कि ये नियम अस्थाई है, मतलब कुछ समय के लिए ये लिया गया फैसला है, लेकिन इस निर्णय से अब कनाडा जाना आसान नहीं होगा। पॉलिसी बदलने का सीधा असर प्रवासियों की एंट्री पर पड़ने वाला है। 2025 से 2027 तक सिर्फ 11 लाख बाहरियों को स्थायी नागरिकता मिलेगी, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 21% कम है। नए प्लान के तहत 2025 में 3,95,000, 2026 में 3,80,000 और 2027 में 3,65,000 स्थायी नागरिकता दी जाएंगी, जो 2024 में 4,85,000 के आंकड़े से काफी कम है। कनाडा परमानेंट ही नहीं, अस्थायी नागरिकता की संख्या में भी कमी करेगा। इस नए नियम से कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और काम करने वाले लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। छात्रों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में मुश्किल आएगी, स्टडी परमिट लेना तो और भी कठिन होगा, दाखिले के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। वहीं कर्मचारियों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि कंपनियां स्थायी लोगों को तरजीह देंगी, वीजा के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। भारतीयों को होने वाले इस नुकसान को एक आंकड़े से आइए समझते हैं। इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के मुताबिक 2023 में कुल 6,82,000 विदेशी छात्रों को स्टडी परमिट मिला। इनमें 2,78,000 से ज्यादा भारतीय थे, यानी विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या 40% से ज्यादा थी। इसी तरह इस साल अगस्त तक 1,37,000 भारतीयों को स्टडी परमिट मिला है, जो कुल विदेशी छात्रों का करीब 37% है। अब जनसंख्या प्रबंधन का हवाला देकर इसी बढ़ती संख्या पर तलवार चलाने की तैयारी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, प्रवासियों के लिए नियम क्यों बदले गए। दरअसल कोरोना काल के बाद कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में बाहरी लोगों का ज्यादा दखल है। ज्यादा लोगों की एंट्री से कनाडा में आवास और बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या है। इससे कनाडा के लोगों का सरकार पर भारी दबाव बन रहा है। वैसे भी कनाडा में मौसम चुनाव का है, ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की हरकतों की वजह से उनकी लिबरल पार्टी को हार का डर भी सता रहा है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों ने उनसे इस्तीफा मांगा है। इसके लिए ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है, यानी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लेकिन प्रवासी नीति बदलकर ट्रूडो जिस आर्थिक तरक्की का ख्वाब कनाडा को दिखा रहे हैं, क्या उसमें कोई दम भी है, इसे भी आइए आंकड़ों से समझते हैं। कनाडा में विदेशी छात्रों में 40% अकेले भारतीय हैं। 2022 का डेटा ये बताता है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का योगदान 85,000 करोड़ रुपए का था। इस फैसले से कनाडा के ऑन्टारियो प्रांत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। विदेशों से आने वाले 40% छात्र यहीं पढ़ने आते हैं। काउंसिल ऑफ ऑन्टारियो यूनिवर्सिटीज के मुताबिक इमिग्रेशन पॉलिसी बदलने से साल 2024-25 में 300 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,820 करोड़, जबकि साल 2025-26 में 600 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,640 करोड़ का नुकसान सिर्फ एक प्रांत को होगा। यानी आंकड़े कहते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करके ट्रूडो ने कनाडा को हजारों करोड़ का नुकसान करा दिया है। फिक्र में अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की करते हैं। अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ट्रंप और कमला की तरफ से कैंपेन काफी आक्रामक हो गया है।
एक दिन पहले कमला हैरिस ने ट्रंप के खिलाफ हिटलर वाला कार्ड चला था, आज वो इमोशनल होकर अपील करती हुई नजर आई। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कमला को जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ अपने कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं। और इस बीच कई सर्वे में उन्हें गुड न्यूज भी मिल रही है। इस समय अमेरिकी चुनाव में कौन किस पर भारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का कैंपेन अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है। ताबड़तोड़ रैलियों और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। एक दिन पहले कमला हैरिस ने ट्रंप के खिलाफ हिटलर वाला दांव चला, तो आज अपने बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की। अपनी माँ के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कमला ने लिखा कि मेरी माँ को अपना घर बनाने के लिए वर्षों तक बचत करनी पड़ी। मेरी प्राथमिकता भी हर अमेरिकी को उसका अपना घर दिलाने की है। इसके अलावा कमला ने ट्रंप का पुतिन पर दिया पुराना बयान सुनाते हुए भी उन पर हमला किया। यानी कमला हैरिस ट्रंप पर हमला करने से पीछे नहीं हट रही। लेकिन अमेरिका में चुनाव से पहले हो रहे ज्यादातर सर्वे में ट्रंप के लिए गुड न्यूज आ रही है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के नेशनल सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 47% लोग मानते हैं कि ट्रंप की जीत होगी, जबकि 45% लोगों का मानना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेगी। वहीं CNBC ऑल अमेरिका इकोनॉमिक सर्वे में 48% लोगों का मानना है कि ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे, जबकि 46% लोग कह रहे हैं कि जीत तो कमला हैरिस की होगी। बड़ी बात यह है कि ट्रंप स्पैनिश वोटर्स के पोल में भी कमला को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। 1970 से ही स्पैनिश वोटर्स के लिए डेमोक्रेट्स पहली पसंद रहे हैं, लेकिन इस बार 44% स्पैनिश वोटर्स का मानना है कि ट्रंप जीतेंगे, जबकि 46% स्पैनिश वोटर्स कह रहे हैं कि कमला हैरिस जीतेंगे, जबकि 2020 में ट्रंप डेमोक्रेट से 19 पॉइंट पीछे थे, यानी ये फासला काफी कम हो गया है। इसलिए ट्रंप सिर्फ लोगों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं।